इक्वेशन से -17x इज इक्वल टू, ये वाला इन्फॉर्मेशन मैं ऊपर अब सॉल्व कर रहा हूँ, -17x इज इक्वल टू -8500। ओके, तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू, ये देखो माइनस एक, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या ये क्या बचा 8500/17, तो ये क्या बचा, हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी डिवाइडेड, 5 टाइम्स, यानी कि 500, यानी कि बच्चों सिंगल बैट का क्या प्राइस आया 500 रुपीज। अब मैं ये इक्वेशन पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, एनी ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन मैं वन में रख लेता हूँ, वन में रखूंगा तो ये क्या आएगा, वाई का वैल्यू क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू 3800 माइनस 7 एक्स है ना, तो 7 × 500/6 इज इक्वल टू, ये क्या दे दिया 3800 − 35/6 दैट इज इक्वल टू 300/6 इज इक्वल टू 550, यानी कि बच्चों सब सॉल्व करके क्या आया, मैं अज्यूम क्या किया था, वैल्यू किसका निकालना था, एक्स एंड वाई का ना, तो जब इक्वेशन ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरा क्या आया, वैल्यू आया एक्स का 500, यानी कि प्राइस ऑफ क्या निकालना था, प्राइस ऑफ बैट कितना आया इज इक्वल टू ₹500 आया, एंड प्राइस ऑफ बॉल कितना आया इज इक्वल टू ₹50, यही दोनों वैल्यू निकालना था ना, एक्स और वाई का, जो कि अननोन था और दो इक्वेशंस बना था, उससे क्या वैल्यू आया 550 रुपीज। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट आपका है थर्ड, हो गया थर्ड का थर्ड पोर्शन हो गया, अब फोर्थ नंबर देखो क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड का फोर्थ देखो, द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी consist of a fixed charge together. Together with the charge for with the charge for the distance covered. The distance covered. Okay. For a distance of ten kilometer, the charge paid is ₹105, and for a journey of 50 kilometer, the charge paid is ₹155. The charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay
pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर. ये मेरा क्वेश्चन है बच्चों. ठीक, ट्राई करो एक बार. देखो बच्चों, ऐसा कुछ क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि पहला वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको चार्ज कितना होता है 101 नॉट